प्रियंका गांधी बहुत देर कर चुकी है, वो सांसद बन सकती हैं, बन जाएंगी, जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं सांसद बन जाएंगी, लेकिन इससे देश की राजनीति में कोई हलचल पैदा होने वाली नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि डर के मारे नहीं लड़ी, और आज लड़ भी रही हैं तो सुरक्षित सीट पर लड़ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, तो दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा दावा कर दिया, दावा कि इससे देश की राजनीति में कोई हलचल नहीं होने वाली। कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव से अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगी। वहीं प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रियंका गांधी के लिए सुरक्षित सीट चुनने की बात कह दी। देखिए, उन्होंने एक सुरक्षित स्थान का चयन किया है और प्रियंका गांधी बहुत देर कर चुकी है, वो सांसद बन सकती हैं, बन जाएंगी, जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं सांसद बन जाएंगी, लेकिन इससे देश की राजनीति में कोई हलचल पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत दिनों से हम लोग इस बात को देख रहे हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में भी बहुत प्रचार किया गया और अंत में आकर के राहुल जी यहाँ चुनाव लड़े, राहुल गांधी चुनाव लड़े, प्रियंका गांधी नहीं लड़ी, जबकि सुल्तानपुर या रायबरेली की जनता जो है, अमेठी या रायबरेली की जनता ये इंतजार कर रही थी। अब कोई उनसे पूछे तो वो कहेंगे रणनीति थी, लेकिन सच्चाई ये है कि डर के मारे नहीं लड़ी, और आज लड़ भी रही हैं तो सुरक्षित सीट पर लड़ रही हैं, और वहां किसका वोट है, कौन सा वोट है, ये सब जानते हैं। तो चुनाव लड़ेंगी, चुनाव उनके, हमें व्यक्तिगत रूप से हमारा मानना है कि उनके अनुकूल होने की ज्यादा संभावना है, लेकिन इससे देश की राजनीति में कोई हलचल नहीं होने वाली है, देर हो चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद जून में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदीय क्षेत्र को रखेंगे और केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी। निर्वाचित होने पर प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनेंगी और ये भी पहली बार ही होगा कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ सांसद होंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को अतीत में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संभावित चुनौती के रूप में और कभी परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी की उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया था, मगर तब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को हैं। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के ये 7 किए जाएंगे और प्रियंका गांधी पहली बार कोई चुनाव लड़ेंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।